और देर आर मैनी बारह घंटे चौबीस घंटे जब भी आप जाए वहाँ पे सब कुछ मिलता है मैं उस चीज का नाम नहीं लूंगा जो ज्यादा पान की दुकान पे बिकती है बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट दैट थिंग यू नो होता क्या धुएं निकलते हैं खैर बाय द वे इसको वन स्टॉप शॉप का नाम इस वजह से मैंने बोला है क्योंकि मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो काफी लोग कंसेप्शुअल उन्हें आती है कोडिंग का पता नहीं होता तो उनके लिए हम आज एक ऐप डिवेलप करने वाले हैं जिसके थ्रू इन वो एक ही स्टॉप पे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमने मशीन लर्निंग कैसे लगानी है तो हम ये सारा काम कैसे करेंगे जनाबे वाला हम ये सारा काम करने वाले हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारा काम हम करने वाले हैं लेट्स प्रॉम्प्ट लिखना हमें आ गया तो हम सब कुछ कर पाएंगे ठीक है सो so, सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और बिलीव मी मैं बड़े सुकून के साथ आपको समझाने वाला हूँ सो थोड़ा सा तहमल मजाजी के साथ मेरा साथ दीजिएगा ये ना हो कि आप, आपको ये हो होकर यार ये जल्दी 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 हम इसको फिनिश कर दें बस अच्छा जी यहां पे मैं लिखूंगा अपना सारा प्रॉम्प्ट और उसको कॉपी पेस्ट करके आपको भी बताऊंगा या आप मेरे साथ लिखते जाएं और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर आप ये वाली चेंज करें ठीक है मैं खुद से कोडिंग बहुत कम करने वाला हूँ सारा कुछ जीपीटी पी फोर या क्लाउड ए आई या, या Labs के थ्रू पूछूंगा और इन इसको वेब एप में कन्वर्ट करेंगे लाइब्रेरीज जो हमने यूज करनी है वेब ऐप बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लेट जिसपे हमने अच्छा खासा काम किया हुआ है और पाइथन को यूज करना है इसके लिए जो मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरी यूज करेंगे इसका नाम है एसके लर्न ये रही जी एस लर्न

ये सारी चीजें लिखूंगा एंड यू विल एंजॉय दिस थिंग आप प्लीज अपने नोट्स बनाते जाए क्योंकि प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए मैं पहले इसी से पूछ लेता हूं हाउ शुड वी कंस्ट्रक्ट आवर प्रॉम्प्ट इफ वी वांट टू आस्क इन एल एल लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू डिवेलप ए वेब जो हम काम कर रहे हैं ना वो आपने कहावत सुनी होगी ना जरा बोले वही कुंडा खोले हुआ खोले बाय द वे तो हम इससे पहले बुलवा रहे हैं यहाँ भी बताओ तुम्हें पता है कि कौन कौन सी चीजें कैसे स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और कैसे आप प्रॉम्प्टिंग को बना सकते हो वो कहता तो हूँ हाँ पता है क्लियर होना चाहिए सेगमेंट होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए होना चाहिए गोल बताना चाहिए सो ऑन एंड सो फोर्थ फीचर उसके ये हो फ्लां फ्लां चीजें हों तो आपकी प्रॉपर एक वेब ऐप बन जाती है ठीक है अब हम क्या करेंगे अः उसने ये भी बताया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर उसकी ले लेंगे अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो आप बार बार काम कर सकते हैं ठीक है थीके? तो हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट पास रखने हैं व्हेन आस्किंग एंड एल एल एम लाइक ऐप तो आप क्या करेंगे यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक लाइक स्ट्रीमली योर शुड शुड बी बी कंस्ट्रक्टेड टू क्लियर होना चाहिए सेगमेंटेड हो यानी कि ब्रेक हो ठीक है स्मॉलर कंपोनेंट्स में पूछें लंबे वाले कंपोनेंट्स में ना पूछें पहली बात तो ये अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट सारे का सारा एक दफा लिख देंगे इनकी टोकन लिमिट्स होती है ये आपको आंसर प्रॉपर सारे का सारा नहीं देते टोकन लिमिट्स ठीक है तो स्पेसिफिक आपने पूछना है इटरेटिव पूछने यानी कि बी रेडी टू एंगेज इन बैक एंड फोर्थ इटरेटिव प्रोसेस क्यों क्योंकि एल एल एम को कुछ चीजें जो है गजनी टाइप होता है ना भूल भी जाती है और वो कहता रहता है कि यहां पर आप एड कर ले रिमूव कर लेट ठीक है और फिर बाद में आपने फीचर्स बताने की इमेज अपलोड करो फ्लांग करो फ्लॉ करो फ्लॉ करो, करो और गोल भी बताना है ठीक है सो ओके शो मी एस्ट फ्र कीपिंग इन माइंड द Things you just told me. I would like to make an app, uh, a web app, using Streamlit in Python where a user will be asked to upload the data or to select the data.

या मैं यहां पे लिखता हूं आफ्टर सिलेक्शन और अपलोड द डेटा आस्क द यूजर टू आज द यूजर इफ यूजर वन टू हैव बेसिक ईडीए एनालिसिस देन शो द बेसिक ईडीए एनालिसिस इन द मेन पेज ठीक है आस्क द यूजर टू बल्कि हम इतना लिखते हैं शो मी कंप्लीट कोड अंटिल नाउ अब जो मैंने इसे पूछा मैंने प्रॉम्प्ट पूछा लेट्स सी वो हमें क्या देता है एंड देन वी विल गो वन बाय वन

अच्छा जी ये हमने सिर्फ ईडीए का पार्ट पूछा है उससे और ये हमारे पास प्रॉपर उसने एक ऐप बना के दे दी है हम इस कोड को कॉपी करते हैं कॉपी करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से चल रहा है मैं अपनी ऐप्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे एम एल वन एस एस डॉट मैं आपको दिखाता हूं जो मैं कर रहा हूं जस्ट मिनट मैं कोड रन करके देखता हूं ये आपके पास बल्कि जब मैं कोड रन करूंगा तो यहीं पे व्यू आएगा लेट्स सी स्ट्रीमलेट वेयर इज स्ट्रीमलेट That's there. Okay. ये जनाब हमारे पास अभी तक जो ओवरव्यू आया है वो ये है ठीक है और इसके अंदर हम देखते हैं क्योंकि हमने कोई डेटा सेट अपलोड नहीं किया मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे मैं टिप्स का डेटा अपने पास जो मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी उसको अपलोड करता हूँ तो ये जी मेरे पास आ गया डू यू वॉन्ट टू हैव एन ई डी तो ये ई डी मेरे पास आ गया ठीक है और उसने कहा कि कुड नॉट कन्वर्ट इन टू फीमेल तो स्ट्रिंग है इस वजह से को रिलेशन मैट्रिक्स नहीं बना सोन एंड सोफ ये कुछ एरर्स हैं इसकी लेकिन कुछ बेसिक हमारे पास डेटा सेट का ओवर और उसकी स्टेटिस्टिक्स आ गई है ठीक है सो ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं अब इससे आगे हमने क्या करना है अब हमने क्या करना है यहां से कोड लेके जाना है और वहां पे पेस्ट करी जाना है ताकि हमारे पास प्रॉपर एक ऐप बन जाए ठीक है तो मैं टर्मिनल आपको नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोड दिखाऊंगा कि ये वाला कोड मैंने जब रन किया मेरे पास ये वाली ऐप फाइनल बन के आई थी, ठीक है? है है अब एक चीज ये है कि कि यूज सैंपल डेटा वाला फंक्शन चल रहा है नहीं टिप्स लिया वो आ गया टाइटेनिक लिया तो टाइटेनिक का ये हमारे पास आ गया अब ये हम देते हैं कि को रिलेशन मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं यहां पे इसको पेस्ट कर देता लेट्स सी क्या होता है उसने सीधी बात बताई अगर आप गौर से पढ़ें कि को रिलेशन मैट्रिक्स इज ओनली डूएबल ऑन नुमरिक डेटा तो आपने क्या करना है उसने यहां पे बता दिया है कि आपने बताना है कि यहां पर यह कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना है ठीक है द डेटा टाइप फंक्शन एंड एंड सो सो ऑन तो इफ लेंथ ये वाला जो कॉलम है जो हमने पहले भी लगाया था लास्ट वाला जो कोड है बाय द वे ये जो कोड है उसने कहा इसको रिप्लेस कर दें नहीं ये वाला नहीं यहां प्लॉट कोरिलेशन हाँ पेयर प्लॉट ये वाला ये रिप्लेस कर करते तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ कोड के अंदर इसे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ये मैंने रिप्लेस किया कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा आई नो दैट बट स्टिल यस कोई इतना फर्क नहीं पड़ा और इसने अब अगली बात कर दी वैल्यू नो जो है वो नहीं कन्वर्ट हो रही तो मसला क्या आ रहा है ये जो स्मोकर सेक्स डे टाइम ये सारी चीजें ये मसला कर रही है ठीक है तो हमें भी समझ आ रही है कि यहाँ पे जो एस एन एस पेयर प्लॉट है ये पूरे डेटा पे नहीं बनना डेटा में जहां पे सिर्फ नोमरिक वैल्यूज हैं उनका बनना है और बेसिकली अगर आप गौर करें तो हमें ये चीज कॉपी करनी थी मैंने फिर से ऊपर वाली कर दी आई विल सेलेक्ट दिसर हियर होपफुली ये काम करेगा नहीं करेगा तो फिर देखते हैं क्या करेगा रन ऑलवेज रन यस ठीक है समझ आ गई तो जो एरर हमारी आ रही थी उसने ये वाला कोड का रिप्लेस कर दो मैंने वो कर दिया अब आगे जो काम होना है ना ये कोड रिप्लेसमेंट का और कोड एडिशन का होना है उसने बोला था कि ये वाले कोड की बजाय आप ये वाला कोड लिख दो अब इसमें क्या हो रहा है इसमें बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी नंबर है सिर्फ उसी का डेटा टाइप जो है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा के अंदर काउंट हो रहा है और नोमैरिक डेटा के ऊपर ही सिर्फ को रिलेशन बन रहा है एज यू कैन सी हियर ठीक है अगर मैं यहां से टाइटेनिक को सिलेक्ट करता हूं इट शोज मी लाइक दिस जहां पे नोमैरिक डेटा है सिर्फ वो मेरे पास आ रहा है ठीक है समझ आ गई हमें सिंपल ओवरव्यू पता चल गया अब आगे चलते हैं अब मैं कहता हूं एड कोड टू मेक सम बेसिक प्लॉट्स एज वेल आस्क द यूजर To select the data columns. And based on the category of data columns, ask the user to select the plot type. Make those plots using Plotly library. नोट फॉर सजेस्टिंग प्लॉट टाइप प्लीज यूज द रूल्स मैं इन एंड्रू अबेला गाइड फॉर प्लॉटिंग लेट्स ये सिर्फ एक मैं गेम खेल रहा हूं अगर इसने मुझे ये उस तरीके से बता दिया तो हमारी जो साइंस है वो सारी की सारी यहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगी इसे कोड के अंदर कंपैरिजन के लिए ये वाले प्लॉट हैं उसको पता है जनाब एंड्रियो बेला गाइड को वो एक्सप्लेन कर रहा है एंड नाउ वी विल सी इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ प्लॉट और समथिंग इन एडिशन तो सबसे पहले तो उसने बोला कि ये प्लॉटली की ये लाइब्रेरी इंपोर्ट में लिख दो मैं इसे कॉपी करके सबसे ऊपर कोड में जाके पेस्ट कर दूंगा ठीक है कर दिया फिर उसने बोला इफ दिस थिंग कम्स एंड देन शोइंग अदर थिंग्स अभी इसके बारे में हम बात करते हैं जब तक ये कोड कंप्लीट होता है तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कभी भी एक ही प्रॉम्प्ट ना दीजिएगा टोकन की लिमिट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही तो इस वजह से बार बार आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड करते जाए आपकी ऐप आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी आई नो वो कहते हैं कि इसको आप फर्दर भी चेंज कर सकते हैं बट वी विल जस्ट गो एंड यूज दिस थिंग इफ एल्स थिंग और इसको मैं पेस्ट कहां पे करता हूं लेट्स If st बार इसका मतलब है ये यहां पे आनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया पहले मैं देख लू एरर तो नहीं है कोई जनाब ये कोड मैंने भला कहां पे ऐड किया मैं अभी आपको दिखाता हूं ये कोड जहां पे हमारा पिछला कोड खत्म हो रहा था यहां पे सॉरी ये भी इस कोड का हिस्सा है इफ एस टी बार तो इस मेन के अंदर यानी कि मेन फंक्शन आप कह लें उसके अंदर ये इफ 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 एल्स लगी हुई है ना मैं इसी इफ को आगे लेके जा रहा हूं ये वाली इफ ठीक है इसी इंडेंटेशन के नीचे मैं कोड कॉपी करूंगा दिस वन सॉरी ये तो है ये साइड बॉर्ड चेकबॉक्स है ये दिस वन तो मैं यहां पे इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूं और इसको रन करते हैं मैं आपको दिखाता हूं अच्छा अगर एरर आई ना इंडेंटेशन की तो आपने आपको उसने वैसे बता देना है सो so, मैंने ये कोड वहां पे पेस्ट किया है आप इसको भी कह सकते हैं शो मी कंप्लीट कोड तो आपको ये कंप्लीट कोड भी दे देगा बट टाइटेनिक हमने सेलेक्ट किया था मैं टिप्स को सिलेक्ट करता हूं आपको पता है हमारा फेवरेट है ईडीए नहीं करना तो ठीक है करना है तो चेक कर दो तो ये आ गया ईडीए इसके बाद डू यू वांट टू प्लॉट द डेटा इस पर क्लिक करते हैं यस yes. फिर सेलेक्ट द कॉलम्स टू प्लॉट द डेटा मैं कहता हूं टिप और टाइम को प्लॉट करो अगर ये समझदार होगा तो उस हिसाब से चीजें को प्लॉट करेगा ये टिप को मैंने किया तो काउंट प्लॉट आ गया एक कॉलम है हिस्टोग्राम सही है जैसे मैं यहाँ सेक्स सेलेक्ट करता हूँ साथ में कोई भी नहीं आया अभी फिलहाल अगर मैं टोटल बिल करूँ तो ये हमारे पास आ गया स्कैटर प्लॉट लाइन चार्ट भी इसका आ सकता है सो आई नो द डेटा डजन लुक लाइक वेरी नाइस डेटा लेकिन यहां पे अगर मैं स्मोकर क्लिक करूं तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा डे क्लिक करते हैं तो तब भी हमारे पास डे और टोटल बिल तब भी कुछ नहीं आ रहा इसका मतलब है कैटेगोरिकल डेटा हमारा प्लॉट नहीं हो रहा यहाँ पे ऐसे ही है अगर मैं सिर्फ यहाँ पे टोटल बिल पे क्लिक करता हूँ तो ये टोटल बिल भी प्लॉट हो रहा है अगर मैं टिप पे ओनली क्लिक करता हूँ तो टिप भी प्लॉट हो रही है और अगर मैं सेक्स पे क्लिक करता हूँ यानी कि मेल फीमेल कुछ भी प्लॉट नहीं हो रहा हमारे पास चलो सेक्स के साथ टिप कर लेते हैं एक नोमरिकल एक कुछ भी प्लॉट नहीं हो रहा सो वी कैन टेल दिस गाय क्या मसला चल रहा है अब यहां पे हम खुद भी देख सकते हैं अगर आपको कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा डेटा डेटा टाइप टाइप के अंदर जो फ्लोट है उसको प्लॉट करने की कोशिश की जा रही है हिस्टोग्राम बनाने की और अगर हमारे पास डेटा टाइप यहाँ पे भी फ्लॉट है उसको भी प्लॉट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे भी नोमेरिक की बात हो रही है कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात नहीं हो रही शो मी द प्लॉट टाइप ऑल्सो फॉर कैटा कोरिकल प्लॉटिंग विच वॉज मिसिंग इन प्रीवियस कोड तो मैं ऐसा ऐसा जो मुझे चीजें समझ आती जा रही है मैं उससे पूछता जा रहा हूँ सही है तो समझ आ रही है ना किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं मैं खुद कोड नहीं कर रहा सिर्फ प्रॉमटिंग कर रहे हैं चेक करें उसने बता दिया कि बार प्लॉट होती है अगर मैं इसको एंड्री बेला का ना बताता तो शायद मुझे ये चीजें खुद से बतानी पड़ती सो यूजली यू शुड हैव नॉलेज अबाउट समथिंग जो किया जा रहा है और उसकी बेस पे आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ले सकते हैं तो एट द एंड हमारे पास एक प्रॉपर ऐप जो है वो बन जाएगी ठीक है लेट्स सी जब तक ये काम कर रहे है, हम अपने कोड को देख सकते हैं फिर और उस पर फिर काम करते हैं ठीक हो गया उसने हमें कोड दे दिया कोड को कॉपी करता हूं और सेम जगह पे कोड को दोबारा पेस्ट करना है। हमने मैं आपको दिखाता हूं पेस्ट करना है ताकि मसला ना हो यहां पे चेक करें। यहां से हमने पूछा था, करेंट समथिंग लाइक द कोड यहां से तो मैं इधर से यहां पे कोड पेस्ट करता हूं ठीक है ये मैंने कोड पेस्ट किया फ यहाँ पे है और बल्कि इट् शुड बी वन स्टेप अड्स ये जाता है okay, that's gone. अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ वहाँ पर और अपनी ऐप को चेक करते हैं कि कोई चेंज आई है कि कोई नहीं आई ओ फुल आनी तो चाहिए चेंज लेकिन अगर नहीं आई काट से आनी थिंग यहाँ से हम टिप का इंस्टोग्राम आ रहा है स्टिल द सेम थिंग अगर हम दोबारा से डेटा सेलेक्ट करें टाइटेनिक ई डी हो गया टू यू वॉन्ट द डेटा टाइप ई क्लास सेक्स एंड फेयर कुछ भी हमारे पास अभी भी प्लॉट नहीं हो रहा अगर सिर्फ फेयर को प्लॉट किया जाए तो इसका ओ सी सिर्फ पी क्लास का भी हो रहा है सो मसला क्या है हमारे पास इशू ये आ रहा है, जो चीज़ हमारे पास non -numeric है वो यहाँ पे प्लॉट नहीं हो रही थी आई वुड से नाउ वी कैन प्लॉट ठीक है जी सो so, ये मसला था हमारे पास हमने इसको सेट कर लिया हम बारचार्ट बना सकते हैं बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं वायलन प्लॉट बना सकते हैं

इट so मीन्स के सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल्स की प्लॉट टाइप यहां पे आ रही है ठीक है सही हो गया प्लॉट हमारे चल रहे हैं अभी इसमें क्या एडिशन और हो सकती है आपको क्या लगता है इनकोडिंग करने की जरूरत नहीं है हमारा काम चल रहा है स्टिल उसने एंड पे बताया यू कैन एक्सपैंड दिस फर्दर फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा और मोर स्पेसिफिक यूज केस तो मैं यहां पे से बोलता हूं यहां पे मल्टी डायमेंशन यानी कि थ्री डायमेंशन एक्सपेंड दिस सेक्शन फर्दर फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा अप टू डेटा मोर देन फॉर मोर देन टू कॉलम सिलेक्शन एज कलर साइज और शेप शो मी द कोड

आपने सिर्फ सिलेक्ट द कॉलम के बाद रेस्ट ऑफ द कोड लिखे यानी कि जो हमने पहले कोड लिखा था इफ के बाद डू यू फिर बाद में प्लॉटिंग क्वेश्चन हमने लिखे थे और सेलेक्ट द कॉलम जो हमने लिखा था यहां पे ये वाली लाइन जो है इसको ऐसे लिखते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड आ जाएगा फिर एंड पे एलिफ 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 एलिफ, एलिफ, एलिफ आएगा ठीक है कि अगर आपका डेटा सिंगल डायमेंशनल है मोर देन थ्री डायमेंशनल मैं यहां पे इसको कॉपी करता हूं रेस्ट ऑफ द कोड के बाद एलिफ के अंदर ही ले जाना है हमने मैं आपको दिखाता हूं मैं कहां पे पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको मसला ना हो उसने एलिफ हमें दे रहा है ना कोड के अंदर तो हम यहां से प्रिंट करेंगे एलिफ 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 ठीक है अगर आप गौर करें यहां से एलिफ हमने किया डेटा कैसा जा रहा है अगर एर आईट एरफुल नहीं आएंगी एर आ चुकी है एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक एलिफ स्टेटमेंट तो कहीं पे मैंने यस yes, एलिफ के बाद ब्लॉक ने दिया तो ये मसला आएगा आपको बार बार इंडेंटेशन इस वजह से जरूरी है आपको पता करना कॉलम ही नहीं दिया अभी हमने सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे हम देते हैं सरवाइव का कॉलम सेक्स का कॉलम एंड एज अब ये एरर आई है जी अनबाउंड लोकल एरर कैन नॉट एक्सेप्ट लोकल वेरिएबल कॉलम वन डेटा टाइप वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद वैल्यू सो देर इज समथिंग रॉन्ग विद द कॉलम वन डेटा टाइप एज टी क्लास फेयर यस द प्रॉब हम इसको यहां पे ऐसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं माफिया भी मांगता है, टेंशन ना ये आपको खुश करके रखेगा एम भी माफी तलाफी करता रहता है ये कि गलती होगी बाबा ये माफ़ कर दो अच्छी बात है ना चैट बोर्ड थोड़ा सा महजब है गलती मान लेता है साढ़े किसी ने गलती की थी। अगले बंदे की गलती क्या तुले होंगे मैं तो कुछ नहीं किया तेरी गलती है होता है ना अक्सर ऐसा अब आप में से काफी लोगों को नींद आ रही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है जो चीज बनने जा रही है दिस इज गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन सभी के लिए नहीं कुछ लोगों के लिए रीजन क्या है यार जिस बंदे को नहीं पता आप उसको ये ऐप दे दोगे ना एक दफा लिंक दे दोगे स्ट्रीम पे डिप्लॉय करके बट वी आर गोइंग टू डू इनशा आप खुद देखेंगे कि वो बंदा राजी इतना होगा ना कानों तक प्लॉट टाइप भी उसके पास है सारा कुछ उसके पास होगा सो आई मीन इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि लोग इस चीजों की इनशाला कदर करना स्टार्ट कर देंगे नहीं करेंगे तो फिर ना सही क्या कर सकते हैं जनाब मैंने कोड को पेस्ट किया है और दोबारा से कुछ करके देखते हैं आप लोड पे टिप्स पे जाते हैं आप इस दफ़ा ई डी ए लेना है नहीं लेना है इसको बंद कर देते हैं ई डी ए को तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं जी टोटल बिल का सेक्स की बेस पे प्लॉट बने जो नहीं बन रहा पहले से भी बात गई यहाँ पे देखते हैं जी स्मोकर टोटल बिल ये पहले से भी बात कही जी पहले तो चलो कोई प्लॉट दिखा ही रहा था टोटल बिल और टिप का स्कैटर प्लॉट लाइन चार्ट प्लॉट आई सी नाउ आई कैन अंडरस्टैंड भला क्या चीज हो रही है अगर आप गौर करें टोटल बिल को अगर हम टिप के साथ एक प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास स्कैटर प्लॉट बन गया ठीक है अब सेलेक्ट अ कॉलम फॉर कलर हमारे पास आना चाहिए

ये हमारे पास दो दो प्लॉट क्यों बन रहे है? कोड मैंने डबल कर दिया होगा आई हैव टू सी सिलेक्ट कॉलम नॉन नो ऑप्शन सिलेक्टेड अगेन वही एरर दे रहा है व्हाट कुड वट कु हमने मोर देन थ्री बोला है ना टू बोलना चाहिए था लेट्स द अदर वन यस तो एरर हमने हमारी तरफ से है लेट्स सी मोर देन टू ही बोला है Three नहीं बोला जनाब मेन वाइल मैं उसे दोबारा पूछता हूँ कि जब मैं ये काम करता हूं तो ये एरर आती हैं तो आपको मैंने कोड भेज दिया है कभी आप जरा उसे चेक करें उतनी देर चेक कीजिएगा मैंने एक कोड आपको अभी भेजा डिस्कॉर्ड के अंदर और ज़रा उसे चेक कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जारी बात है हो सकता है आप में से कोई अच्छा बंदा उसका सोल्यूशन निकाल ले ठीक हो गया तो हम ये जो ऐप बनाने जा रहे हैं ये क्या करेगी आपने सिर्फ डेटा अपलोड करना है अपना आपको सारी किस्मों के प्लॉट मिल जाएंगे और मशीन लर्निंग सुपरवाइज की टाइप जो है वो कोई भी आप लगाना चाहेंगे तो आपके हाथों में वो मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स लग जाएगी दैट्स आर मेन एम ठीक है होप फुली आप में से कोई ना कोई इसको रिजोल्व करता है नहीं करता है, तो फिर हम तो करते हैं अगेन उसने एक और कोड दे दिया कि ये चलाओ सारी बात है मशीनें भी गलतियां करती हैं बिजली सिर्फ अस नहीं खरीदिया बल्कि मशीनें ज़्यादा गलतियां है, करती हैं यहाँ से मैं सेक्स को सिलेक्ट किया एज उसके बेस पे हमने डिवाइड कर दी इसका हम बॉक्स प्लॉट बना देते हैं पी क्लास रखते हैं तो वो कहता है कि जी कोई अच्छे वाला कॉलम सेलेक्ट करो और अब बंदा क्या सिलेक्ट कर ले सिबलिंग्स पाउस

अब हम कहते हैं कि थैंक यू फॉर दिस कोड अब हम इससे फर्दर पूछेंगे हम ये, हमें क्या बताए ये मैं यहां पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं शो मी द कोड फॉर फॉलोइंग अब हम यूजर से पूछेंगे कि ये वाला कोड दिखाए पहला uh, Ask the user to select. No, hai, divide the columns into categorical and numerical variables. Ask the user for encoding methods from. लेबल इनकोडर एंड one hot encoding फ्रॉम sklearn encode the categories based बेस्ड ऑन selected encoding इनकोडिंग समझ आ रही है इनकोडिंग पहले करेंगे एंड शो द डेटा फ्री फ्यू स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अब हमने इस स्टेप में सिर्फ इनकोडिंग करवानी है उससे लेट सी क्या होता है ऑब्वियसली ये पहले एस के लर्न का हमें कोड देगा ये चेक करें ठीक है उसने कोड हमें सेपरेट दिया है आई वॉन्ट टू यूज दिस कोड इन द प्रीवियस एप तो ये हमें बताएगा यहाँ से हमारा इनकोडिंग सेक्शन स्टार्ट होगा ठीक है पीछे सैंपल डेटा वाला सारा काम आ रहा है ये हमने लाइब्रेरी के अंदर रख लेना है ऊपर सबसे जैसे हमने प्लॉटली रखा था और बाकी कोड हमने इसी एल्स के नीचे लगाना स्टार्ट कर देना है मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन वी गो बैक टू विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ पेस्ट करने के बाद ये कुछ पीछे ही पेस्ट हो गया तो इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद एक टैब देता हूँ दो टैब देता हूँ यहाँ पे यह चलेगा होपफुली लेट्स सी मैं यहाँ से यूज़र डेटा लेता हूँ टाइटेनिक का ले लेते हैं ई करना है प्लॉट करना है क्लास इंस्टोग्राम ओके ये क्यों नहीं चला जी इन कोडिंग पार्ट लेटमी सी कोड ये वाला इफ डेटा इज नन सी

I see. अगर डेटा हम अपलोड करते हैं फिर आएगा इनकोडिंग का ऑप्शन लेटमी सी यहाँ पे टिप्स के ऊपर जाके ये डेटा हम अपलोड करते हैं ई डी एड द डेटा टिप को प्लॉट कर दिया हिस्टोग्राम आ गया ओके okay, रॉन्ग तो इसका एक और तरीका मैं यहीं पे कोड के ऊपर कंट्रोल आई करके कहता हूँ स्लैश फिक्स द कोड इज नॉट शोइंग द इनकोडिंग पार्ट इन द लेट्स सी अच्छा जूम के ऊपर से मैं कॉपी नहीं कर सकता सो मैं अगर कोई चीज भेजनी है तो प्लीज आप डिस्कॉर्ड के ऊपर भेज सकते हैं इसने क्या फ़िक्स किया है इसने एंड वाली को चीज़ फिक्स की है बाकी उसने वैसे ही रहने दिया है तो मैं इसको यस करके देखता हूँ अगर ये काम चल गया तो ठीक है वरना वी विल सी उम्मीद तो नहीं है कि चले ये लेकिन फिर भी कई काम खराब कर दिया कंट्रोल जी एंड कंट्रोल इफ इट वर्स हम चैट जी पी से कह देते हैं फिक्स दिस कोड आई कैन नॉट सी इन कोडिंग पार्ट ऑन द एप बिलीव में ये इतना आसान काम नहीं है जैसा शायद आपको लग रहा हो जादू में नहीं बनती होती एप्स इट टेक्स टाइम ठीक है तो मैं आपके साथ सारे प्रोसीजर आपके सामने इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिल्कुल पैड़ी लग गई थी इस टूल से को पायलट इज नॉट गुड इन इन एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग दिस थिंग्स सो हमने क्या किया पूरा कोड दे दिया और उसने डिफाइन मेन ऐप से ये हमें इनशाला फिक्स करके दे देगा करेगा ठीक है नहीं करेगा तो फिर मैंने पढ़ लागे अपना ये रेस्ट ऑफ द कोड बड़ी बात करता है चेक करें ये कर लो फिर एंड पे रेस्ट ऑफ द कोड ठीक है हम वही कर लेते हैं डिफाइन ऐप से लेके इनकोडिंग सेशन तक और एलिफ शो मी कंप्लीट कोड डू नॉट ऐड कमेंट्स एज रेस्ट ऑफ द कोड आपको समझ नहीं आती So let's see. <laughs> थोड़ा सा डांटना भी है ना इसको माफिया मांगेगा बंदा पहले ही समझ जाए देखा अब ये पैडी लगाएगा ना फिर इसको और डांटेंगे थोड़ा सा पर ये असल में फीडबैक ही है किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप दे सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग विद एलएलएम कितना मजा है एलएलएम आगे से चैट जीपीटी बोले उस्ताद तू तो नाराजी हो गए इज़ गोइंग ऑन इनशाला कोड पूरा देगा ये कोड पूरा देता है भी जान बुझ के ना बीच में से काम चोर बन जाता है सो यू नीड टू यू नो थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है अब भी तो दे ही रहा है कोड ऑब्वियसली पूरी ऐप का नहीं देगा कोड लेकिन स्टिल इट्स वर्किंग फाइन और इनशाला काम चलेगा नहीं चला तो फिर देखते हैं हमने क्या करने अभी कहाँ तक है आप देख रहे हैं प्लॉट तक फिर रहे स्कैटर प्लॉट लाइन प्लॉट तक आ गया एंड देन जी हमारे पास इनकोडिंग खा गया फिर ये प्लॉटिंग सेक्शन अच्छा इनकोडिंग ऊपर की है होप फुली दिस कोड विल रन मैं सारे का सारा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ चलाते हैं इसे यहाँ से सैम्पल डेटा पकड़ते हैं टाइटेनिक का लेबल इनकोडिंग कर देते हैं डू यू परफॉर्म बेसिक एनालिसिस डू यू वॉन्ट टू प्लॉट द डेटा येस टी क्लास वर्सिस सरवाइव्ड फेयर और ये आपके पास scatter plot, line plot, and you can make the plots, different kind of plots. Plotting के अंदर थोड़ा सा हमें और भी काम जो है वो चेक करना पड़ेगा लेकिन still I think it's more than enough at this moment कि हमारे पास चीजें जो हैं कम से कम बन के आ रही हैं ठीक है so we will have a look yes जब तीसरा कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं तो हम तीसरा सिलेक्ट ही नहीं करते हैं. हमारा काम इनकोडिंग वाला हो गया इनकोडिंग थोड़ी सी देर पहले होगी बट इट्स फाइन अब हम कहते हैं इसे मतलब जेंडर नहीं लगाना चाहिए बोट्स के साथ लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ये चेक करें ठीक है अपलोड डेटा सेट पे मैंने क्लिक किया सैम्पल पे टिप्स की बजाय टाइटैनिक ले लिया लेबल इनकोडिंग आप चेक कीजिएगा अच्छा ये हमारा डेटा सेट है डू यू वॉन्ट बेसिक यस लेबल इनकोडिंग की है तो हमारे पास चेक करें कि ये लेबल इनकोडिंग हॉट इनकोडिंग जो भी आपने करनी है उसके हिसाब से इनकोडिंग हो जाएगी डेटा की बेसिक स्टेटिस्टिक्स और बाकी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और सो ऑन एंड सो सॉफ्ट ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं बट अगर हम कोड की तरफ जाएं तो यहाँ पे इनकोडिंग के पार्ट के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ को इनकोड कर रहा है इफ़ इज इक्वल टू लेबल इन कोडिंग लेबल इनकोडर आ जाएगा फॉर कॉलम्स इन कैटेगोरिकल कॉलम्स जिनकी टाइप ऑब्जेक्ट है कैटेगरी है। इसने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी मैं अगर इसको कैटेगोरी बोलूं, अब देखिएगा जरा कुछ तो चेंज होगा आई एम होपफुल Data tips, encoding, label encoding. समझ बात की अब इनकोड हुआ है पहले इनकोड नहीं था हुआ डेटा वन हॉट इनको ऐसे इनकोड करती है वो बेसिकली आपके डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाते हैं उसके अब इनकोड हो है अब ये सही चलेगा तो इनकोडिंग टाइप ठीक नहीं चल रही थी हमारे पास तो ऐसा भी हो सकता है कि बजाय हम एक इनकोडिंग टाइप के यहाँ पे कैटेगरी के साथ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं डबल डायमेंशन के साथ या नहीं या वो ले लो या वो ले लो लेट्स ट्राई दिस कॉमा ऑब्जेक्ट लेट्स सी अगर ये काम करता है क्योंकि अनहैशेबल लिस्ट टाइप तो अगर इसको एक ही कर लें तो वो क्या कहता है काम कर गया सरकार तो क्योंकि टाइटेनिक में कभी कभी आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ की जो टाइप है वो आपके पास डिफरेंट किस्म की होती है सो so, एक और काम हम करते हैं, वो ये है कि यहाँ पे पता नहीं आप मेरी बातें समझ भी रहे कि नहीं या आपको लग रहा है कि रूहों रूहों वाली बातें कर रहा है बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग तो मैं यहां पे क्या करता हूँ कैटेगोरिकल कॉलम से पहले ना यहाँ पे एस टी डॉट राइट करके इसके अंदर आपको डेटा जो है डॉट इन्फो ये हम प्रिंट कर लेते हैं लाइक like दिस इससे क्या होगा वो तो फुली आपके पास डेटा की जो इन्फो है वो आ जाएगी नन रहा है डी टाइप्स अगर करें Now it's वर्किंग फाइन जो चीज़ मैंने की है मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मैंने एक छोटा सा कोड ऐड किया ना इससे क्या हो रहा है जब आप डेटा किसी को लेके आते हैं सबसे पहले उसकी डेटा टाइप आपके सामने आ जाती है टिप्स हो गया ये देखें ये कैटेगरी थी इसके अंदर टाइटेनिक के अंदर ऑब्जेक्ट भी है और फ्लो कैटेगरी भी है सो जैसे हम इन कोडिंग पे क्लिक करते हैं तो आप खुद देखेंगे जो ऑब्जेक्ट हैं कैटेगरी सभी के सभी जो है वो यहाँ पे तकरीबन जो है वो चेंज हो रहे हैं मुझे तो लग रहा है सिर्फ कैटेगरी वाला चेंज हो रहा है बट वी विल सी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला भी चेंज इट वाज फाइन लाइक ओके खैर बातें निकलती जा रही हैं और बातें होती जा रही हैं वी विल नाउ डू समथिंग डिफरेंट इन दिस ऐप अब ऐसे कहेंगे प्लीज ऑल्सो एड द Code to select X or Y columns from the data. Code to ask user to select X and Y columns from the data for machine learning tasks. If the column in Y Is a categorical variable in the beginning. Show in big yellow color. This is a classification problem. Otherwise, show that this is a regression problem. ऑल्सो टू सेलेक्ट द रेशो ऑफ ट्रेन टेस्ट हमने अब एक्स और वाई टारगेट और फीचर जो है उनको सेलेक्ट करना है और फिर आगे हमारे मशीन लर्ड कैलगरी तो हम लग जाएंगे बस हम पहुंच रहे हैं पास पास तो टेंशन ना ले इसको मैंने एक दफा डांटा है होपफफुल ये अब दोबारा नहीं कहेगा कि कोड मैं नहीं देना है तो ला दे आप See, अगर ये अभी कहता दोबारा तो इसको एक दफा फिर डांट देंगे वो आजकल एक आदि वायरल हुई है ना वो इंडियन लड़की है या पाकिस्तानी है बड़ा डांटती है ना आके फेसबुक के ऊपर आपको नहीं पता चले नहीं पता तो अच्छी बात है उनका एक लफ्ज़ याद है कि अच्छे से अच्छे अखलाक से पेश आया करें लोगों के साथ हाँ सुधर जाओ सुधर जाओ उनका बड़ा मशहूर है तो देखें इसको मैंने डांटा है ना अब ये वो काम नहीं कर रहा कैसी मजे की बात है यार चेक करें जरा अल्लाह पढ़ तरीफे ज्यादा कर लो तो ये काम होता है कहता रेस्ट ऑफ द गॉड आपको एक बार बताया ना डोंट से रेस्ट ऑफ द कोड इंस्टेंट शो मी कंप्लीट कोड प्लीजे क्या करते हैं उसकी रीजन वाला क्या है यार हमसे इंडेन्टेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है तो क्यों ना ऐसे पूछ लिया जाए बजाय इसके उस पर टाइम वेस्ट करने के मैं इसको सुधर जाए लिखने सुधर जाओ लिखने लगा था बट मैंने कहा नहीं अभी नहीं जरा वो जो हाइपर इंटेंशन वाले वर्ड है समझ गए हमारा काम ये है आज हम एक ऐप बना रहे हैं मैं फिर से बता दूं जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग वन स्टॉप शॉप तैयार कर रहे हैं और जारी बात है यहाँ पे तो शॉप के लिए सामान लेने जाना हो तो कम से कम पंद्रह बीस दिन लगते हैं तो आपको क्या ख्याल है कि डेढ़ घंटे में बन जाएगी इट टेक्स टाइम क्योंकि आइडिया बड़ा है तो आइडिया बड़ा होगा तो फिर काम के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली आप तीन चार मिनट में भी बना सकते हैं प्रॉम्प्ट अच्छा दे के लेकिन इसने बार बार आपको कहना पिछला कोड लगा लो अगला कोड लगा लो क्योंकि ये सेंसरशिप के अंदर है कि ये सारे का सारा कोड नहीं प्रोवाइड करेगा कभी भी सो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप और फिर कहीं जाके ये अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा अगर आपको नहीं पता इस तरह तो लोग फिर घर बैठे सारा कुछ बना लें समझ रही बात की Let's see. इसने कुछ किया भी है कि नहीं किया मैं यहां पे इसको यकीन करते हुए मैं कॉपी पेस्ट कर दिया सब कुछ और खोड़ो. क्या हो गया इसको मेन फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है डिफाइन मेन ये किया तो हुआ है क्या गलती है भला कोई बता सकता है एरर ये है हमारी ब्रैकेट की गलती है जो मुझे लगा एंड दैट वाज राइट सही है तो कभी कभार ऐसा भी होता है हमें तपाने के लिए वो मैं चेक कर रहा है ऐसे कुछ आता भी है कि नहीं ले जाने आप टिप्स का डेटा लिया इनकोडेड वेरिएबल हमने लेबल इनकोडिंग लगा दिया ठीक है या आप वन हॉट इनकोडिंग भी लगा सकते हैं एंड आई नो उसने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर कोड के अंदर सो आई विलुक क्या चेंजेस किए हैं ऑब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी वही चीज जो पहले की थी इसने एस टी डॉट राइट करके डेटा डॉट डी टाइप्स उसको मैं चेंज करता हूँ। नाउ इट्स फाइन लेबल इनको कर दी है एक्स में कौन सा रखना है जी हमने रखना है फॉर एग्जाम्पल टोटल बिल वाई में हमने रखना है सेक्स अब प्रॉब्लम सेक्स रखते हैं तो उसने ये नहीं बोला कि यह क्लासीफिकेशन की प्रॉब्लम है समझ आई तो देर इज समिंग रॉन्ग क्या रॉन्ग है आप, आप में से कोई बता सकता है क्या रॉन्ग है आपके सामने पड़ी हुई प्रॉब्लम यार हमने सभी को इनकोड कर लिया हमने सिर्फ एक्स को इनकोड करना था हमने सभी को इनकोड कर लिया सो दैट मीन्स या तो हमें कोड में जाके चेंज करनी पड़ेगी ठीक है इनकोडिंग सेक्शन जो है उसे उठा के हम नीचे ले आएंगे मैं आपको दिखाता हूं या हम चाहे जीपीटी से कहते हैं मेहरबानी तेरी यार तू कर दे लेकिन आई वुड शो यू कि क्या मसला है देखें ये अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है क्योंकि जब सभी चीज इनकोड हो जाए वो इंटीजर की फॉर्म में आ जाए एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रिग्रेशन प्रॉब्लम सो हम क्या करते हैं इनकोडिंग सेक्शन को यहां से उठाते हैं और यहां से कट करके बल्कि टगोरिकल वेरिएबल्स और इफ इनको मैथड ये है सारा आई वुस्ट के यहाँ से बिल्कुल सारे उठा लेते हैं कोई राय नहीं करनी हमने एस टी बार इनको एम एल टास्क में एक्स कॉलम्स हैं और वाई कॉलम्स हैं इसको मैं करता हूँ कट और एम एल टास्क जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं इनको सेक्शन को यहाँ से कट करता हूँ मैं इसके बाद में ऐसे रख देता हूँ पेस्ट अब चेक कीजिएगा यहां पे हम रखते हैं इनकोडिंग सेक्शन इसमें क्या करेंगे डेटा टाइप्स वगैरह देखेंगे इंक्लूड ऑब्जेक्ट कैटेगरी सब कुछ लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे एक्स समझ आई कि नहीं समझ आई जो कॉलम यहां से सिलेक्ट होंगे उनकी डेटा टाइप को इनकोड करो यानी कि डेटा टाइप अगर हम यहाँ पे X कॉलम्स लिखते हैं तो ये वही चीज नहीं सिर्फ X कॉलम होंगे यहाँ पे इनकोड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी वर्किंग लाइक दैट कैटेगोरिकल कॉलम X के अंदर से ओके okay. ओके okay. काम किया कि नहीं किया मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ क्या मसला मसाइल है टाइटैनिक में आए हम ये सारे वैसे के वैसे ही हैं एक्स में से हमने लिया जी सारा कुछ उठा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हम प्रडिक्ट करते हैं कोई एक चीज अलोन को प्रडिक्ट कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पे हम सिर्फ अलोन प्रडिक्ट करते हैं रिग्रेशन लेबल इनकोडिंग ये अभी भी आ रहा है दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम अभी भी वही मसला है क्या मसला हो सकता है इसका आप देखते हैं Classification देना चाहिए। Sex को को अगर रखते हैं yes, क्योंकि वो वन टू था अलोन में भी जीरो और वन था नाउ इट्स वर्किंग फाइन यस थोड़ी सी कामयाबी गई हमें सो so, यहाँ पे हमने लेबल यूज करें या वन हॉट करें, डजेंट मैटर एट ऑल आपका जो काम है वो हो रहा है और सेक्स का कॉलम आप देख ले इनकोड नहीं हुआ ये मजा है इस चीज को यहां पे लिखने का कि हमें पता है आप सेक्स का कॉलम इनकोड नहीं हुआ अगर हम यहाँ पे सेक्स को भी ऐड करेंगे वो भी इनकोड हो जाएगा ये फॉरन से रिग्रेशन प्रॉब्लम बन जाएगी समझ आई बात की के नहीं आई तो समझा नहीं तो नहीं समझा सो so, यहां पे अगर हम फेयर को निकाल के यहाँ पे फेयर ले आते हैं वी कैन एक्चुअली द फेयर ठीक है तो एक्स और वाई हो गया

क्योंकि हमें एंड पे नहीं चाहिए ईडीए तो मैं ईडीए वाला या प्लॉटिंग वाला जो सेक्शन है इसे उठाता हूँ यहाँ से क्योंकि ये बेचारा अकेला ही नीचे मशीन लर्निंग के अंदर कहाँ पे अपने आप को तंग करके बैठा हुआ है सो वी कैन डू हियर एंड हो फुली कोई एरर नहीं आएगी नहीं आई आए, ठीक है सो so मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ऐप अभी तक कहाँ पे पहुंची है हां जी कुछ समझ आ रही है चीजों की कैसे चल रही है यार अगर बोर हो रहे हो आप लोग मुझे बता दें क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इट विल टेक मोर टाइम लेकिन एट द एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इनशाला एरर कैसे रिजोल्व हो रही है एरर कैसे आ रही है आपके सामने सही है ये कोड है मैं ये सारा कोड आपको भी भेज रहा हूँ जो पहला कोड था वो मैं रिमूव कर रहा हूँ ये न्यू वाला कोड आपके गोश गुजार मैंने कर दिया है डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट ठीक है अच्छा यहां तक क्लियर होगी जी आपको बात अब हमने अगला काम करना है वो क्या है मैं आपको बताता हूं मैं यहां पे कहता हूं बिलीव मी यू आर ग्रेट मक्खन भी लगाना है साथ साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ माई एप नहीं कोड जो है मैंने आपको डिस्काउट पे किया डिस्काउट पे सॉरी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं वी वॉन्ट टू एड द कोड वेयर आ यूजर कैन सिलेक्ट द लिस्ट of select the list of multiple regression models and at the end can have an idea of best model we want to add the code where a user select Multiple models, multiple regression models in case of regression problem. The app runs all models and select the best one based on RMSE. No MSE. And R square Then print the results of the best and the worst model into the main page. Show me. This. Let's see. Amen. ye model और उसके बाद हम पहले रिग्रेशन का पूछ लेते हैं ना रिग्रेशन का काम करेगा फिर क्लासिफिकेशन का हो जाएगा अब ये डिफरेंट आपको मॉडल्स देगा यहाँ पे तीन या चार या पांच जितने भी देता है दैट इज मोर देन इनफ तो हम फिर देखते हैं कैसे काम करना ठीक है Let's see. अब इसने एक काम गलत किया है वो क्या काम गलत किया है Let's see. Split ratio, ये हमने पहले बता दिया था। हमारा कोड जो है उसके अंदर split ratio defined है। एक्स और वाई भी डिफाइंड है मैं अपना कोड सारा उठाता हूँ यहां पे इसे कहता हूँ प्लीज इम बैट प्लीज शो मी कंप्लीट बात की, जो हमने काम करना है उसी से करवा लेते हैं ना कि क्या कहता है वो हमारा काम भी सारा होता जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा ठीक है उसका मजा क्या है मैं आपको बताता हूँ ये स्टैंडर्ड स्केलर का वरना हमें सेपरेट लाइन लिखनी पड़नी थी अब लाइंस ऑफ कोड भी कम हो जाएंगे फिर वही चीज इसने दे दी रेस्ट ऑफ द कोड let's सी कैसा चलता है ये रेस्ट ऑफ द कोड कहाँ पे इसने बोला था हाँ हमने सिर्फ रेशो सेलेक्ट की है नैटवर्क एयर मेनु लगता है 25 जेडे मेरे है ना प्रॉम्प्ट खत्म हो गए नहीं। चैट GPT Plus प्लस के अंदर भी आपके प्रॉम लिमिट होती है अगर किसी को नहीं पता तो थ्री आवर्स के अंदर कुछ आपकी लिमिट होती है सो द डेटा इज नॉट बाकी लोग भी पानी पी लें यार अपनी सेहतों का भी ख्याल रखें आपसे बोल रहे हैं आप लोग ओके लेट्स सी हमने सबसे पहले तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज को ऐड कर देना कोर्ट में शुरू में तो मैंने वो ऐड कर दिया फिर हमने क्या करना है वो कहता मेन ऐसे चलने दें इनिशियल कोड भी ऐसे चलने दें डेटा नन भी ऐसे चलने दें एम एल टास्क सिलेक्शन के अंदर ये वाली दो चीज़ें ऐड कर दें हम तो ये करके देखते हैं जो हमारा कोड था एम एल टास्क सिलेक्शन का एस टी स्लाइडर के अंदर कोई चेंज नहीं हुई इनकोडिंग वाला भी ऐसे चल रहा है फिर आपने इनकोडिंग वाले के बाद ये वाला कोड कॉपी करना है अकॉर्डिंग टू दिस काय एंड द एंड रिमेन्स एम इनकोडिंग सेक्शन ये आ गया किधर गया इनकोडिंग इनकोडिंग सेक्शन ये तो हमने किया हुआ है ना स्प्लिट रेशो वाला लेट मी सी यस स्प्लिट के बाद वाला काम हमने देखना है रिग्रेशन का यहाँ से नहीं जनाब मैंने उस कोड को ऐड किया मैं आपको कोड दोबारा से दिखा देता हूं बट बिफोर दैट वी हैव टू सी के टिप्स के अंदर अगर हम एक्स में रखते हैं टिप और वाई पे रख एक्स में रखते हैं टोटल बिल और वाई पे रखते हैं टिप इनकोडिंग हम कर लेते हैं लेबल इनकोडिंग ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है ए टी ट्वेंटी की रेशियो रख लेते हैं यहाँ से चूज रिग्रेशन मॉडल मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ और वेक्टर स्पोर्ट्रेसर ये मेरे पास आ गया जी बेस्ट मॉडल इज लीनियर रिग्रेशन वर्स्ट मॉडल इज लासो रिग्रेशन विद दिस थिंग सिंपल मैंने क्लिक करते करते ही सारा हो गया लो जी सारे सेलेक्ट सिलेक्ट करिए रिज रिग्रेशन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है समझ आ गई बात के लिए ये सिर्फ रिग्रेशन का हुआ है और इसमें हम क्लासिफिकेशन का कोड भी ऐड कर सकते हैं समझ बात की किसी को कुछ नहीं पता उसने सिर्फ डेटा अपलोड करना है अब आपको मैं स्टार्ट से शुरू से बताता हूँ क्या है इस ऐप का मकसद यहां से कोई भी डेटा अपलोड कर लो मेरे पास टिप्स का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये पड़ा टिप्स का डेटा ईडीए परफॉर्म करना है कर दो ये मेन प्लॉट आ गए डू यू वॉन्ट टू प्लॉट द डेटा यस क्लिक करो प्लॉटिंग ऑप्शन आपके पास क्या है जी टिप को कर लो टोटल बिल को कर लो ये मेरे पास प्लॉट आ गया अब वो कहता है मशीन लर्निंग के सिलेक्ट कर लो मॉडल बाई द वे ये प्लॉट के प्लॉट है आप जितना इसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा एंड यू कैन आल्सो यूज लाइक दिस यू नो समझ रहे हैं ना बात तो ये प्लॉट के प्लॉट है विच इज एक्चुअली वेरी हैंडी आइडिया टू प्लॉट डिफरेंट थिंग्स और यहां पे अगर मैं स्मोकर और टोटल बिल कर लू तो कुछ इस तरीके से मैं डिफरेंट प्लॉट टाइप्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ बट लेटर ऑन वी विल सी दैट क्योंकि इसको प्लॉटिंग के अंदर काम अच्छा खासा होने वाला है वी कैन डू दैट लेटर ऑन तो टिप टोटल अच्छा एक्स कॉलम हमने सेलेक्ट किया जी फॉर एग्जाम्पल टोटल बिल सेक्स स्मोकर डे टाइम सारी चीजें सेलेक्ट कर ली और नीचे हम टिप सेलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है इनकोडिंग करनी है ये yes.

और इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं ऑल्सो मॉडल्स फॉर न्यूरल नेटवर्क और आपकी एक ही ऐप के अंदर सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग तो सिर्फ आपने एक्स की चीजें देनी है यू नो दैट अब मैं इसी के अंदर ऐड करता हूं ऑल्सो एडरल सेवरल क्लासिफिकेशन मॉडल्स इन शो मी हालांकि स्ट्रेटजी सेम ही है अगर मैं आपको कोड की तरफ लेके जाऊं ना तो आप अगर आइडिया खुद से बनाना चाहें सो यू जस्ट नीड टू डिफाइन द मॉडल्स ये मॉडल्स हैं जी रिग्रेशन के आपने इसी तरीके से क्लासिफिकेशन के कर लेने सिंपल और उनको इसी तरीके से वन बाय वन करके आपने रन करके बेस्ट मॉडल ले लेना लेकिन बेहतर ये है कि ये हमें कोड खुद से फ्राहम कर दे सो वी कैन हैव एन आइडिया कि यार अच्छा खुद से करने के बजाय इससे पूछ लो ये अच्छे मॉडल पकड़ा देगा ठीक है तो ये इसने यहाँ पे बता दिया हमने यहीं से ये कोड उठाना है ये चेक करें ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है एंड एट विल और उसको पता है कि यहाँ पे अब एम एस सी नहीं बेस्ट स्कोर में आपके पास डिफरेंट अदर पैरामीटर प्रोसीजन स्कोर रिकॉल स्कोर कन्फ्यूजन मैट्रिकोर्थ सो सो फोर्थ दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली अ फुल फ्लैज ऐप मैं इसको ऐड करता हूँ उस कोड के अंदर एंड होप इट विल बी वर्किंग फाइन अगर नहीं चली तो पैडी देना सर डोंट वरी अंग्रेजी बड़ी आ रही है, आनी है जारी गलर हाई होयानी पैनी जनाब मैंने कोड इम बैड कर दिए इनशा पैड ही नहीं लगेगी दोबारा से इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहीं से सैंपल डेटा लेते हैं टिप्स का डेटा ले लिया अच्छा बाई देटा बहुत बड़ा भी होगा डिजेंट मैटर आपको पहले भी मैंने बताया क्योंकि हमने ऑटोमेटिक काम किया है इस पर ईडी करना है करना है प्लॉट करना है करना है जनाब करना क्यों नहीं करना प्लॉट टिप और टोटल बिल को प्लॉट कर दो ओके जी प्लॉट हो गया अब सारे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ टिप सिलेक्ट नहीं करता ठीक है अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट ऑल करके एक को ड्रॉप कर दो तो ड्रॉप कॉलम भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे तो यहां पे मैं टिप को सिलेक्ट करता हूँ उसने बोला जी रिग्रेशन प्रॉब्लम है अगर मैं टिप की बजाय यहां पे सेक्स को निकाल देता हूं और यहां पे सेक्स को ले आता हूं मेल फीमेल me... नहीं था इसके अंदर सेक्स के अंदर सो वाई इज फिर मसला हो गया कोई नो स्मोकर ये अभी तक रिग्रेशन क्यों दिखा रहा है हुँ. टोटल बिल रिग्रेशन प्रॉब्लम स्मोकर लेबल इनकोडिंग के बाद यस आई थिंक सो लेट मी सी के क्या मसला है पहला मसला तो ये है कि इसके अंदर आपको ये एल्स वाली कंडीशन भी लगानी थी जो मैंने नहीं लगाई पहले तो इसको सेट कर लें फिर देखते हैं जिसकी भी वन सके शायद ये भी मसला हो ट और कैटेगरी यही मसला था पहले ओके okay जी एक्स कॉलम लेते हैं टोटल बिल यस नाउ इट्स वर्किंग फाइन एक कोड का इशू था यहां से हम रिज ये रिग्रेशन ही आ रही है अभी भी क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन का कोड जो है वो कॉपी करने अच्छा मसला कहाँ था मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ना इस कोड के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा था ऑब्जेक्ट लाइक like दिस तो आपको पता है या तो ऑब्जेक्ट होता है या कैटेगरी होता है तो दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है ठीक है so, सो इसको मैं कैटेगरी यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको आप दोनों भी लिख सकते हैं और जो हमने कोड लगाना है मॉडल ये वाले हो गए रिग्रेशन के मैं इसको कहता हूँ Add, add this code to the main code of my app as my app code is as follow show me the complete final code without saying rest of the code comes here. समझ आई या नहीं लेट्स सी हमें शुगल में लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को नींद ही ना आ जाए आधे बंदे सो भी रहे हैं यहाँ पे अभी तो सवा ग्यारह हुए सो जारी बात है जब ऐसे काम होते हैं पोर्टफोलियो बनते हैं तो अच्छे तरीके से बनते हैं हमें फालतू में नहीं बनते काम हमारा तकरीबन पास पास, पास पहुँच गया और अल्लाह के हुक्म से आधे बंदे जो हैं वो जान छुड़ा के चले भी जा चुके हैं कुछ लोगों ने कैमरे बंद कर लिए हैं कुछ लोग मुझे पक्की बात है साथ में खाना खा रहे होते हैं सी ये नहीं हटा फिर कह रहा था द कोड रिमेन अनचेंज भाई चाइना में इतना टाइम है यूएस वालों की सुबह हो रही है सो डोंट वरी इंशाल्लाह हम ये काम पूरा करके उठेंगे सो यू नीड टू बी विद मी ये चेक करें इसने फिर बोल दिया द इनकोडिंग सेक्शन रिमेन्स अनचेंज The EDA section remains unchanged. The regression section <laughs> remains unchanged. लेट्स सी अगर ये पूरा कोड दे देता है अगला काम मैं आपको बता देता हूँ आपका अगला काम क्या है क्योंकि आपने इस कोड को रिफाइन करना है और कुछ चीजें ऐड करनी है मैं इस ऐप को आपको दिखा देता हूँ और आपने इस तरीके से इस ऐप को फाइनल करना है और लोगों के साथ भरपूर तरीके में शेयर करना है आपने अपनी डिप्लॉयमेंट करने के बाद ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा ले सकें पहला काम यह है कि प्लॉटिंग के एरर को रिजोल्व करना है आपने कि एंड्री ओबेला के जितने प्लॉट्स हैं वो सिर्फ सिलेक्शन की बेस पे ऑटोमेटिकली बनते जाएं पहला काम लिखते जाएं प्लीज अपने पास ये डिस्कॉर्ड पे सेंड होगा सॉरी दूसरा काम ये होगा प्लॉटिंग पहले आपने रिजोल्व करनी है मैं इसको बल्कि अपने पास भी सेव कर लूं क्योंकि सारी बातें आपको फाइनलाइज भी हमने करना है ट वन इज रिजोल्व द प्लॉटिंग एरर अकॉर्डिंग टू एंड्रबेला चार्टाइड ठीक है यूज मल्टीवेरिएट पल एज वेल मल्टीवेर का मतलब है दो से ज्यादा वेरिएबल जब आपने यूज करने है ठीक है यूनिवेरिएट सिंगल है बाई वेरिएट डबल है मल्टीवेरिएट मोर देन टू फिर आपने स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुड बी एडेड इन द एप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किस कॉलम को किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं समझ आई बात की वो यूजर सिर्फ सेलेक्ट करेगा कॉलम और किसके थ्रू वो डिवाइड करना है टी टेस्ट लगना है अनोवा लगना है क्या लगना है यू नो बेटर देन मी क्योंकि स्टेटिस्टिक्स की पूरी सीरीज आपके पास थी जिनको नहीं पता तो वो देख लें टाइम निकाल के और उस पर काम कर लें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस शुड बी एडेड लोगों ने सिर्फ क्लिक करना है और बेसिक स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए ठीक है ये नहीं कि डिस्क्राइब का फंक्शन लगाया और जो हमारी स्टैटिस्टिक्स हो गई है डोंट डू इट लाइक दैट अगला काम आपका ये होगा जनाबे वाला आपने एन लिस्ट ऑल रिग्रेशन एल्गोरिथम्स इनसाइड ऐप विद कोड आपने जितने भी एग्रेशन के सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम आते हैं सारे के सारे एनलिस्ट करने हैं मैंने सिर्फ पांच सात यहां पे किए एक यूजर को मल्टीपल एल्गोरिथम सेलेक्ट करने की ऑप्शन होनी चाहिए जितने भी हैं अभी तक आए ठीक है समझ आ गई ऑल एल्गो रिथम्स फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल जितने भी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम है आपने जो पढ़े हैं वो भी जो नहीं भी पढ़े जो एडवांस अभी आए हैं या नए आए हैं ये लोग कर रहे हैं करेक्शन के साथ वो ऐड करने हैं आपने इसका फायदा क्या है इसका फायदा आपको है क्योंकि जब आप इस ऐप को पब्लिश करेंगे लोगों को पता चलेगा कि यार ये इतना हैवी काम हुआ है इस छोटी सी ऐप के अंदर हालांकि छोटी ही नहीं रही अब ठीक है थीके? फिर एड एट लीस्ट फाइव मैट्रिक्स ऑफ ईच रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ठीक है एटलीस्ट पांच पांच मैट्रिक्स आपने डाले मैंने तीन तीन डाले हुए फिर आस्क द यूजर टू कम आस्क द यूजर द मैट्रिक्स वेयर यूजर वन टू कंपेयर द मॉडल फ्रॉम मतलब किस मैट्रिक पे आप अपने मॉडल को कंपेयर करना चाहते हैं ये जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं रहे खुदा दे बंदे हो कम अज कम एक्टिंग कर लो ना लिखो एक्टिंग कर ले बंदा दिल ही रख लेता है किसी का अच्छा नहीं लिखो यार आप लोग छोड़ो यार कुछ नहीं करना आप लोगों ने ये जितना मैंने बता दिया कर ही रहा हूं सो ये कोड इसने मुझे दिया लेकिन स्टिल द कोड इज नॉट फाइनल प्लॉटिंग आ गया एम टास्क आ गया इन कोडिंग यहाँ पे आ गया हमारे पास okay, यहां पे आ गया ये आ गया जी मॉडल सिलेक्शन फॉर क्लासिफिकेशन एक दो तीन चार पांच छः ये हमारे पास इनकोडिंग द टारगेट कॉलम इफ कैटेगोरिकल ये आ गया एंड देन एक्यूरेसी आ गया इसने रिग्रेशन के मिस कर दिए अच्छा तो मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया वो आपने करना है एंड एट दो चीजें और ऐड करनी है ठीक है वो ये है कि जब आपने प्लॉटिंग का बताना है ना एंड्रियो बेला की गाइड का स्टार्ट में ऑल्सो आस्क यूजर इफ यूजर वॉन्ट्स टू डाउनलोड द प्लॉट प्लॉट टाइप आपने पूछनी है कौन सी है पी एन जी है तो वो अदरवाइज दूसरी रेजोल्यूशन एंड पाथ टू डाउनलोड ये तीन चीजें पूछनी है एंड देन डाउनलोड देंडल इफ यू यूजर्स क्लिक द डाउनलोड बटन सिंपल ये कुछ टास्क है जो मैंने आपको बता दिए बाकी अगर आप करना चाहेंट नहीं भी करना चाहेंगे सो नो प्रॉब्लम सारी तो बात है ये आपको मैंने प्रेशर नहीं करना ये हर बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेज है बट अगर आप करते हैं तो आपका ही फायदा है फायदा ताने एनएफए पीछे ही गल करती ना रिमेंस अनचेंज ऐ नहीं रुकता ओके इफ वाई कॉलम से आगे रिमेन्स अनचेंज चलो इसकी मान लेते हैं मैं सारा कोड ऐसे कॉपी करने लगा हूँ अब ये ना हो कि कुछ भी ना चले किश्तियाँ जला दी हमने पेस्ट और जहाँ पे वो कह रहा है रिमेन्स अनचेंज वो देखते हैं ये मैंने कॉपी किया था कोड इज एप इज हेयर ये आ गया और ये कोड उसने बोला था इफ कॉलम से आगे इफ पाई कॉलम इन डेटा कॉलम यहाँ से आगे कोड को चेंज करना है मैं बस लास्ट ट्राई कर रहा हूँ

यहाँ से हम करते हैं जी प्लॉट करते हैं पेयर को ई क्लास के ऊपर तो ये हमारे पास प्लॉटिंग आ गई एक्स में हमने जनाब एज की बेस पे सर्वाइवल चेक करना है इनकोडिंग थिंक लेबल इनकोडिंग है वो कह रहा दिस इज रिग्रेशन प्रॉब्लम अगेन एयर फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया होना इनकोडिंग के अंदर चले इसको देखते हैं लेवल इनकोडिंग अगर नन करते हैं और यहां पे सेक्स करते हैं एक्स के अंदर एज की बेस पे अगर हम फेयर को प्रडिक्ट करते हैं लेवल इनकोडिंग कर देते हैं ये हमारे पास आ गया रिग्रेशन का प्रॉब्लम अच्छा रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन सेलेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया सही हो गया तो अगर हम सेक्स को यहाँ से क्लिक करते हैं तो क्लासिफिकेशन आ जाएगी और नीचे क्लासिफिकेशन के सारे एल्गोरिथम आ जाएंगे सही है तो रैंडम फ्रेश क्लासीफायर हमने किया और यहाँ पे कंटेन्स एन एन अच्छा इश्यू है अगर एनएन होगा तो फिर हमारे पास नहीं होगा तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं इम्प्यूटिंग मैथड फॉर एन ए एन 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 मैथड ये भी मैं ऐड कर देता हूं इनकोडिंग से पहले ओके ये एक प्रॉब्लम थी टिप्स के अंदर यह नहीं है तो मैं टिप्स का डाटा ले आता हूँ यहां पे फिलहाल के लिए और प्लॉटिंग चेक कर लेते हैं टिप के साथ टोटल बिल की ये हमारे पास कॉलम हो गए हम यहाँ पे एक्स में रखते हैं बाकी सारी चीजें और वाई में सिर्फ टिप रख लेते हैं ये टिप आ गई डेटा इनकोड करना है बिल्कुल करना है जी हमने रिग्रेशन की प्रॉब्लम है यहाँ से रिग्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं एल्गोरिथम तो ये हमारे पास सारे एल्गोरिथम सेलेक्ट हो गए हैं एंड देन द बेस्ट मॉडल इज रिज रिग्रेशन ये आपको पहले भी पता है यहाँ तक क्लियर हो गया अब जैसे ही हम यहाँ पे टिप की बजाय सेक्स को प्रोडिक्ट करते हैं तो इट शुड बी यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड यस yes, शुक्र है आप हमारी एट काम कर गई है वन स्कोर हमने पूछा है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आ सकती है बट सारी बात है जितना आप इसका सोचते जाएंगे ये तो खत्म होने वाली चीज नहीं है लेकिन एट बेस्ट मॉडल और वर्स्ट मॉडल हमारे पास आ गया देयर वैल्यूज ठीक है किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है किसकी कम है सोन एंड सो फोर्थ तो हमने ये छह एल्गोरिथम सेलेक्ट किए। अगर मैं रिग्रेशन का इस पे लगाना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा एरर। इस एरर को ऐसे नहीं शो करना आप लिख सकते हैं कि so, so, जनाब कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पे लगना है ये जी मैंने सारे एल्गोरिथम लगा दिए और यहाँ पे बेस्ट हमारे पास ट्री क्लासीफायर इस वक्त काम कर रहे हैं और ये सिर्फ छह एलगोरिथम मैंने इसमें रखे हैं देर आर मेनी आउट देयर न्यूरल नेटवर्क सो ऑन सो फोर्थ और ये सिर्फ मैंने अपने डेटा पे काम किया uh, टिप्स पे काम किया इट वर्क लाइक दैट अगर मैं अपना कोई डेटा अपलोड करूँ फॉर एग्जाम्पल मैं टिप्स का ही कर देता हूं से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने डाउनलोड किया हुआ सो यू कैन ऑल्सो यूज द सेम एनोलॉजी ठीक है सो so, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अब आप ये काम नहीं कर सकते ये रही सारी चीजें सेक्स हम यहाँ पे ले आते हैं और इनकोडिंग कर देते हैं एट द एंड क्लासिफिकेशन इशू है लो एंड यू गो ऐप इज रेडी अलहमद सो जारी बात है आप कुछ चीजें उठा के इधर करेंगे कुछ इधर उधर करेंगे वो बात की बातें पहले फंक्शनैलिटी हो जाए फिर बात की बातें अब होना क्या चाहिए था हमें स्टार्ट में इस ऐप को जब हमने स्टार्ट किया था बनाना उस वक़्त हमें सारी चीजें ड्रॉ करनी चाहिए थी ठीक है तो होता वैसे ही है लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसी वजह से मैंने टाइम किए यूजर इंटरफेस को कम सोचा साइड बार के ऊपर ऑप्शन रखी और राइट साइड पर सारी चीजें प्रिंट कराने लगे देर आर मेनी थिंग्स जो हम ऐड कर सकते हैं डाउनलोड द ट्रेन मॉडल भी मैंने आपको बताया कि वो भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन को कैसे इंप्यूट करना है अगर किसी के नल वैल्यूज हैं तो वार्निंग देने के बाद इंप्यूट करें फिर आप एट एंड दशन भी ले सकते हैं अपलोड द नॉन लेबल्ड डेटा एंड गेट रिडिक्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं और फिर आपके पास एक प्रॉपर वे में फाइनल वैल्यूज आ अबाउट जनाब आपकी एम एल की ट्यूनिंग भी, भी आप एड कर सकते हैं हर मॉडल की तो आप पैरामीटर बताएंगे उनकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपको पता है नहीं पता तो आप मल्टीपल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑलरेडी मॉडल के अंदर भी रख सकते हैं यू कैन ऑल्सो डू दैट लेकिन सारी बातें हमने ऐप आसानी के लिए बनानी है मुश्किल के लिए नहीं सो बिलीव मी अगर किसी को इतना नॉलेज हो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और बाकी चीज़ों का दे वोंट गो फॉर दिस ऐप दे नो हाउ टू कोड द थिंग्स इसी के साथ में आज का लेक्चर जो है फिनिश करता हूँ होपफुली तो आपको पसंद आया होगा और ड्रिल आपको पता है लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें घर वालों को बता दें कि आप पढ़ रहे हैं आपकी इज्जत बढ़ती है